हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू योर चैनल एस एग्ज़ाम। और आज हम अप्रैल मंथ की करंट अफेयर्स की पार्ट टू को कवर कर रहे हैं। इससे पहला वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, आप उसको जाके या तो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में जाके उसका लिंक देख सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वी हैव इज Recently, Dash is elected as member of United Nations Statistical Commission. तो ये कौन सी कंट्री है? ये है हमारे प्यारा भारत, ठीक है, इंडिया। एंड यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन कब इस्टेब्लिश किया था? तो ये 1947 में इस्टेब्लिश हुआ है। एंड इट इज़ द हाइएस्ट बॉडी ऑफ ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर रहेगा हमारा न्यूयॉर्क में, राइट। नेक्स्ट वी हैव एराविकुलम नेशनल पार्क इज इन न्यूज रिसेंटली। तो ये कहाँ पे है? तो ये हमारा है केरला में। तो भाई न्यूज में है तो क्यों न्यूज में है? क्योंकि यहाँ पे फिनेरियम जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है इस नेशनल पार्क में, ठीक है। अब फिनेरियम क्या होता है? ये बेसिकली एक फर्न्स की जो स्पीशीज़ होती हैं, फर्न्स जो होते हैं उनको कंजर्व किया जा रहा है, उनको उगाया जा रहा है बेसिकली इस नेशनल पार्क में। तो फर्न क्या होते हैं? तो ये होते हैं हमारे एपीफाइटिक, एपीफाइटिक होते हैं, ठीक है। मतलब एपीफाइटिक फैमिली पे बिलोंग करते हैं। तो ये क्या होते हैं? इनमें फ्लावर्स नहीं होता, फ्लावर नहीं होगा, ये दूसरे ट्रीज पे ग्रो करते हैं, ठीक है। ये ज़मीन में ग्रो नहीं करेंगे, दूसरे ट्रीज पे ग्रो करेंगे। तो इनको हम क्या कह सकते हैं? इनको हम कह सकते हैं पैरासाइट्स, जो दूसरे ट्रीज पे ग्रो होते हैं, दूसरों के सपोर्ट पे ग्रो होते हैं, उनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो फनेरियम क्या होता है? तो फनेरियम इज बेसिकली एन इंडिकेटर ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ फनेरियम के बारे में। तो वो बता दिया मैंने, इट इज़ अ इंडिकेटर ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट। अगर हम दूसरे भाई वर्ल्ड में कोई दूसरा नेचुरल इंडिकेटर भी है जो क्या इन्वायरमेंट हेल्दी होने का इंडिकेशन देते हैं, तो वो है हमारे पास लिचेंस, ठीक है। लिचेंस किस किस का कॉम्बिनेशन होता है? तो ये होता है बेसिकली फंगस, फंगस एंड क्या था हमारा एल्गी का। ये फंगस और एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशंस दिखाता है, ठीक है। तो ये लिचेंस जो है ये स्पेसिफिकली सेंसिटिव होते हैं किससे? पोल्यूटेंट से। जब भी थोड़ा बहुत अगर नेचर में पोल्यूटेंट बढ़ने लगेगा तो लिचेंस अपना कलर छोड़ना शुरू कर देते हैं, मतलब ये डिसकलर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और पोल्यूटेंट्स भी किस टाइप के? जैसे कि सल्फर हो गया या फिर नाइट्रोजन हो गया। ये सारे सल्फर सॉरी पोल्यूटेंट्स इफेक्ट करते हैं लिचेंस को, ठीक है। लिचेंस एक सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाता है फंगस एंड एल्गी के बीच में, राइट। फंगस जो है वो प्रोवाइड करेगा एल्गी को शेल्टर, वाटर एंड मिनरल। और एल्गी हमारा जो है वो प्रोवाइड करेगा फूड फोटोसिंथेसिस के द्वारा फंगस को। ये तीन चीज़ फंगस प्रोवाइड करेगा एल्गी को। नेक्स्ट वी हैव इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है कि इंडिया कितना अपना कितना एक्सपेंडिचर करता है मिलिट्री में। तो
तो वो है फोर्थ, फोर्थ रैंक पे इंडिया का रैंक है। फर्स्ट कौन है? यूएसए। फिर आता है हमारा चाइना, देन रशिया, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इंडिया। ये रिलीज़ कौन करता है? तो ये रिलीज़ करता है स्टॉकहोम, स्टॉकहोम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट इम्पोर्टर है, पर ठीक है, स्पेंड की रैंकिंग है फोर्थ, और अगर इम्पोर्टर की बात हो तो वो हो गया फर्स्ट, ठीक है। यहाँ है कर्नाटका टू इंट्रोड्यूस वोट फॉर फ्रॉम होम, तो ये किस पर्पस के लिए है? जो भी 80+ पीपल हैं जो वोट डालने नहीं आ सकते, ठीक है, ड्यू टू ओल्ड एज, या फिर कोई है जो डिसेबल्ड हैं, ठीक है, डिसेबल्ड पर्सन्स हो गए, वो जो होंगे वो अपने घर से ही वोट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला इंट्रोड्यूस किया है किसने? कर्नाटका गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट वी हैव इज फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ मैंग्रोव पीटा बर्ड वॉज कंडक्टेड इन, तो ये कहाँ कंडक्ट करी है? भीतरकनिका में, भीतरकनिका नेशनल पार्क में इसको कंडक्ट किया गया है। और कहाँ कहाँ है कंडक्ट किया गया है? भीतरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो मैंग्रोव पीटा बर्ड्स हैं उनका क्या सेंसस किया गया है, एंड ये बर्ड्स जो है ये IUCN की लिस्ट में नियरली थ्रेटेंड पे आती है, नियरली थ्रेटेंड, ठीक है। IUCN जो है उस वो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है यूके में, एंड ये अपनी इसको हम क्या कहते हैं, ये रिलीज करती है रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, या फिर रेड डेटा लिस्ट, ठीक है। अब अगर हम IUCN की बात करते हैं, IUCN की बात करते हैं, तो ये 7 डोमेन्स में अपना जो है डेटा निकालती है, जैसे कि एक्सटेंट, एक होता है एक्सटेंट इन वाइल्ड, एक्सटेंट इन वाइल्ड। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। देन वी हैव इंडेंजर्ड, देन वी हैव वल्नरेबल, वल्नरेबल, देन वी हैव नियरली थ्रेटेंड, देन वी हैव लीस्ट कंसर्न, ठीक है, देन वी हैव डेटा, डेटा डेफिशिएंट, और एक है हमारा लास्ट नॉट इवैल्यूएटेड, ठीक है। इन 7 डोमेन्स में, 1 2 3 4, इन 9 डोमेन्स में सब जो जो भी बर्ड्स या फिर एनिमल्स हैं उनको इन 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक्सटेंट होगा जो कि जिसका भी इंडिविजुअल रिमेनिंग नहीं है, मतलब नो इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशी इज रिमेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट होगा एक्सटेंट इन वाइल्ड, तो ये होगा कि इसका जो भी स्पीशीज है वो वाइल्ड में तो देखने को नहीं मिलेगा, पर कैप्टिविटी में आपको देखने को मिल जाएगा। कैप्टिविटी इन द सेंस, हो सकता है वो लैब में आपको देखने को मिल जाए, या कहीं पे उसका प्रिजर्विंग हब बनाया गया है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाए, पर वाइल्ड में नहीं दिखेगा। नेक्स्ट वी हैव इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो इनका जो है वो है एक्सट्रीम रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन वाइल्ड, ठीक है।
ये हो गया हमारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और इंडेंजर्ड में आ जाते हैं हमारे हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन वाइल्ड। वनरेबल होता है, इनका रिस्क बढ़ जाता है ताकि वो इंडेंजर्ड हो जाएंगे वाइल्ड में, एंड नियरली थ्रेटेंड हो जाते हैं हमारे लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड सून, ठीक है, जो कि हमारी है मैनग्रोव पीटा बर्ड्स, ठीक है। देन वी हैव लीस्ट कंसर्न, जिसका लोवेस्ट रिस्क रहता है, मे बी उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है या उनका ब्रीडिंग पीरियड कम है। फिर डेटा डेफिशिएंट होता है, जिसका सफिशिएंट इनफ डेटा नहीं है कि हम उसको इन किसी भी क्राइटेरिया में डाल सकें, एंड नॉट इवेलुएटेड हो जाते हैं कि उनका अभी तक गिनती शुरू नहीं करी गई है। ओके, ये हो गया हमारे 9 कैटेगरीज ऑफ IUCN। नेक्स्ट वी हैव इज साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। तो ये क्या है? साथी का फुल फॉर्म रहेगा हमारा सीड ट्रेसिबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी, ठीक है। ये हो गया हमारा साथी पोर्टल ऐप। तो इसमें क्या होगा? इट विल एड्रेस द इशू ऑफ सीड प्रोडक्शन, क्वालिटी आइडेंटिफिकेशन, देन वी हैव क्वालिटी आइडेंटिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन साथ में, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि MPPs लिख लीजिए, टू बी सेकेंड होम ऑफ चीता। तो वो कौन सा है? तो वो होगा हमारा गांधी सागर, गांधी सागर सेंचुरी जो है वो सेकेंड होम बनेगी फॉर होम ऑफ चीताज, ठीक है। तो हमने अभी रिसेंटली 20 जो है वो नहीं सॉरी 8 हम लेकर आए हैं नाम्बिया से, नाम्बिया कंट्री से, एंड 12 हम लेकर आए हैं कहाँ से? साउथ अफ्रीका से, ठीक है। ये हमने चीताज इंपोर्ट किए हैं 8 फ्रॉम नाम्बिया एंड 12 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। जो चीताज हैं वो वनरेबल कैटेगरी में आते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, और चीता एक ओल्डेस्ट बिग कैट स्पीशीज है, ठीक है। तो ये है हमारा अबाउट MP's गांधी सागर सेंचुरी। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये एज सच भी पूछ सकते हैं कि गांधी सागर सेंचुरी कहाँ है, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इस रकून स्टीलर मालवेयर, जो है वो एक साइबर अटैक का एग्जांपल है। तो आप इसको ऐसे कोट कर सकते हैं कि रकून स्टीलर इज़ अ मालवेयर। नेक्स्ट वी हैव इज इंडिया रैंक इन यूनिकॉर्न कंट्रीज। तो इंडिया की रैंक है अब 3rd। अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब हमारे पास है टोटल 7 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। सबसे टॉप पे है हमारा USA, देन वी हैव चाइना, एंड 3rd पे है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं कि रिसेंटली नहीं, पहले हम बात करेंगे कि इंडिया में टॉप पे कौन है। तो टॉप पे अभी है जेप्टो, जो कि ये एज पर अगस्त 2023 का रिपोर्ट बता रही हूँ मैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि यूनिकॉर्न कंपनीज कौन कौन सी होती हैं, तो वो कंपनीज होती हैं जिनका 1 बिलियन
$1 बिलियन का जो वैल्यूएशन है वो होता है विदाउट बी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है एंड स्टिल उनका $1 बिलियन का एवैल्यूएशन है एंड ये एंड आर ड्रीम ऑफ एनी टेक स्टार्टअप। ठीक है, ये वाली जो कम क्या टेक स्टार्टअप का ड्रीम हो वो सारी कंपनीज जो हैं वो बनती हैं यूनिकॉर्न कंट्रीज। एज पर 2023 अगस्त जेप्टो हमारे टॉप पे चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज रीसेंट मेंबर इन यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन, तो ये कौन है? तो ये है इंडिया। यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था? तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1947 में एंड ये हाईएस्ट बॉडी है फॉर स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? न्यूयॉर्क में। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज यूनियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड इंस्टॉलेशन ऑफ हाउ मैनी न्यूक्लियर रिएक्टर्स, तो यहाँ पे है 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स का अप्रूवल हो चुका है। तो ये कहाँ कहाँ लगेंगे? तो ये लगेंगे कर्नाटका में, ये लगेगा हरियाणा में, एमपी में एंड राजस्थान में। इन 4 स्टेट्स में ये 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगेंगे। अभी अगर करंट की बात करें तो हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें इंडिया के मैप की, तो यहाँ पे हमने बनाया, मेरे पास नीचे जगह नहीं थी, आप ढंग से बनाइएगा, रुकिए जो बना ही रहे हैं तो ढंग से बनाएंगे। ये है हमारे इंडिया का मैप। और अभी अगर रिसेंट की अगर हम बात करते हैं कि कितने हमारे करंटली हैं, तो राजस्थान में हमारे पास है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक है, ये हो गया हमारे राजस्थान में। अगर हम गुजरात की बात करें तो हमारे पास आता है काकरा पारा एटॉमिक पावर स्टेशन। अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है हमारा नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, APS लिख रही हूँ मैं इसको। देन वी हैव महाराष्ट्र में तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। कर्नाटका की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आता है हमारा कैगा जनरेटिंग स्टेशन। तमिलनाडु में हमारे दो आते हैं, एक है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन और यहाँ नीचे आता है हमारे पास कुंदन कुलम एटॉमिक पावर स्टेशन। ये हमारा मैप पे है, आप मैपिंग की सीरीज़ में भी जाके इसका वीडियो देख सकते हैं। राइट, नेक्स्ट वी हैव इज इंडिया की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस जो है वो स्टार्ट करी है, तो ये क्या है? ये है रैपिड एक्स। ठीक है, और ये स्टार्ट कब से करी गई है? तो ये स्टार्ट करी गई है हमारी इन अक्टूबर। ठीक है, सीएम योगी दी शाला कैंपेन इज लॉन्च्ड बाय, तो ये क्या है? तो ये योगशाला की अगर हम बात करते हैं तो योगशाला सिर्फ समझ में आ रहा है कि ये योगा क्लासेस हैं, योगा क्लासेस। और दी से हमें समझ में आ रहा है जैसे पंजाब में बोलते हैं, तो ये हो गया पंजाब की गवर्नमेंट का। ठीक है, योगा से मुझे याद आता है कि योगा डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं।
एंड इस बार की थीम क्या थी? तो ये थी योगा फॉर वसुदेव वसुधैव कुटुंबकम। इस साल ये इसका 9th एडिशन रहा है और ये स्टार्ट कब से हुआ है? 2015 से। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज फर्स्ट वुमेन IAF ऑफिसर टू बी अवार्डेड विद IAF गैलेंट्री अवार्ड। तो ये कौन थी हमारी? ये थी दीपिका मिश्रा। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट और देख लेते हैं। तो फर्स्ट वुमेन टू कमांड बटालियन इन लद्दाख, तो ये कौन है हमारी? ये है गीता नेगी। ठीक है, देन वी हैव फर्स्ट वुमेन टू कमांड फ्रंट लाइन IAF कॉम्बैट यूनिट, तो ये कौन है? ये है शैलजा धामी। शैलजा धामी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट की, तो ये है हमारी भावना कांत। ठीक है, अगर अब हम बात करें कि फर्स्ट वुमेन टू डिप्लॉय इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस, तो ये है हमारी अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी, तो ये किस एक्सरसाइज में गई थी? तो ये गई थी वीर गार्जियन में। और वीर गार्जियन हम किसके साथ करते हैं? तो ये इंडिया एंड जापान की है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कुछ स्टैटिक की बात करें तो आर्मी चीफ कौन है अभी? आर्मी चीफ तो ये हैं हमारे जनरल मनोज पांडे। आर्मी डे हम मनाते हैं 15 जैन को। ओके, नेक्स्ट वी हैव एयरफोर्स चीफ, तो ये हैं हमारे एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। एयरफोर्स डे हम मनाते हैं 8 अक्टूबर को। ठीक है, देन वी हैव नेवी, तो नेवी है हमारे चीफ एडमिरल आर के हरी कुमार। ठीक है, नेवी डे हम मनाते हैं 4th डिसंबर को। सीडीएस की अगर हम बात करते हैं तो सीडीएस हैं अभी हमारे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवने। ठीक है, फर्स्ट सीडीएस हमारे कौन थे? तो वो थे हमारे जनरल बिपिन रावत। ठीक है, एंड अभी इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, दैट इज बिपिन बिपिन द मैन मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। तो इनके इनका ऑथर कौन है? तो इनकी ऑथर है रचना बिष्ट। रचना बिष्ट जो कि जनरल बिपिन रावत की डॉटर हैं। ओके, तो ये थे अब तक के इस पार्ट के सारे करंट अफेयर्स। तो अब हम इसका जो लास्ट पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपका कोई सजेशन हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।